उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक परवरदिगार जल्ला जलालहू व मना वलहू की रहमत से होंगे। आज मैं जो किताब लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो किताब एक मशहूर जानवर ऊँट पर लिखी गई है और इस किताब के मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन कादरी। तहकीक से इन्होंने इस किताब को लिखा। ऊँट के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं और बहुत कुछ नहीं जानते। अरब का जहाज़ कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है इस जानवर को, और इसके अंदर इतनी कैपेसिटी इतनी सलाहियत होती है कि ये अपने अंदर कई लीटर पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, रख लेता है और कई दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। तो सहरा का जानवर इसको कहा जाता है। कुरान मजीद में भी इस जानवर के हवाले से कई मकामात पर गुफ्तगु की गई है। एक आयत में आपको सूरह गाशिया आयत नंबर 17 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तो क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कैसे बनाए गए हैं। तो आप देखें, इस किताब को पढ़ें, इस किताब के अंदर बड़ी रिसर्च दी गई है और जो टॉपिक्स इन्होंने जिक्र किए हैं कुरान मजीद में ऊँट का तस्किरा कहाँ कहाँ हुआ है और किस किस नाम से कुरान मजीद ने ऊँट का तस्किरा फरमाया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का भी तस्किरा इसके अंदर मौजूद है। ऊँट और दीगर हैवानात में फ़र्क इसके हवाले से भी, तख्लीक का शाहकार ऊँट जो है इसके हवाले से भी गुफ्तगु की गई है। तख्लीक में हिकमत, तख्लीक में बारीक बीनी, पानी का हसीन इंतज़ाम, अजसाम, ऊँट का इरतकाई मामा और ऊँट का गोश के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। ऊँट की तबी अहमियत के हवाले से भी गुफ्तगू की गई है। तो आप इस किताब को पढ़ें और मुझे यकीन है कि इस किताब से खैर हासिल मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक नई किताब के साथ, एक नई मालूमात के साथ। उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।